Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार आज से शुरू होने वाली जापानी भाषा एक परिचय की इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन मैं वत्सला मिश्रा हूं और आईआईटी कानपुर के फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम में बहुत समय से जापानी भाषा पढ़ा रही हूं ये सीरीज़ को शुरू करने से पहले इन लेक्चर्स को शुरू करने से पहले ये सीरीज़ क्यों बनाई गई हिंदी में इसके बारे में आपसे थोड़ी सी कुछ बातें करना चाहते हैं तो देखिए जापान के बारे में हमेशा से ही एक जिज्ञासा सी बनी रहती है मन में कि कैसा देश है कैसे वहाँ के लोग हैं ख़ास करके बचपन में जब सुनते थे समुराई या उनका किमोनो जो उनका परिधान है वो या उनकी संस्कृति के बारे में तो बहुत एक अलग से मन करता था कि जाने उसके बारे में यदि हम आज के दौर को देखें तो देखिए जापानी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है या जापानी एनिमेशन जो हैं उन्होंने देखिए विश्व में बिल्कुल एक धूम सी मचा रखी है या अगर हम देखें कि उनके उत्पाद कैसे हैं या उनका जो ओवरऑल सिस्टम है प्रणाली है वो विश्व भर में अब देखिए क्वालिटी और परफॉर्मेंस का एक पर्याय बन गया है जैसे कि आप देखिए होंडा कार्स हैं या सोनी का नाम किसने नहीं सुना है मित्सुबिशी हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं तो इन सब के बारे में हम सब लोग जानते हैं अब यदि अगर हम लोग भारत की बात करें तो 80 के दशक में आपको अगर याद हो तो मारुति सुजुकी जो गाड़ी थी घर घर में उसको पहुंचाने में किसका योगदान था आप ये समझिए जापानियों का बहुत बड़ा योगदान था या अगर हम अब देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जापानियों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या सबसे बड़ा जो जापानी जो प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल लिंक जो है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में वो भी जापानियों की मदद से ही बनाई जा रही है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिससे हम लोग जापानियों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो एसोसिएशन है वो बरकरार रहे आगे बढ़े चलता रहे तो हमें क्या करना ज़रूरी होगा हमें ऑब्वियस बात है कि उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानना होगा उनकी संस्कृति के बारे में जानना होगा उनकी भाषा सीखनी होगी और यही सबसे आसान तरीका है कि हम जापानी लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं ये बात हम लोग सबसे ज़्यादा अधिक समझ सकते हैं क्योंकि भारत जो है वो बहुभाषीय देश है यानी कि बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं हर प्रांत में हर क्षेत्र की भाषा अलग है तो भारत में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है समझी जाती है और यही कारण था कि ये जो कोर्स है इसको हमने हिंदी में किया क्योंकि अभी तक जो मटेरियल अवेलेबल है नेट पर वो सारा अंग्रेज़ी में है और दूसरी बात ये है कि हिंदी ग्रामर और जापानी जो व्याकरण है वो बहुत मिलते जुलते हैं बहुत समानता है उसमें तो आसानी से समझा भी जा सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें जान सकें समझ सकें और इन जापानी जो प्रोजेक्ट्स है उसमें काम कर सकें इसलिए ये जो कोर्स है ये हिंदी में बनाया गया एक और कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स वो उच्च शिक्षा के लिए जापान जाते हैं या बहुत सारी जापानी कंपनियों में काम करते हैं तो इस कारण से भी ये कोर्स जो है हिंदी में किया गया क्योंकि जब आप कहीं विदेश जाइए वहाँ की भाषा अगर आपको पहले से मालूम है तो आपके लिए वहाँ रहना बहुत आसान हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कोर्स से आप लोग को फ़ायदा होगा और आप लोग जापानी भाषा जो है बहुत अच्छे से खुश होकर के सीख सकेंगे आप लोग सब जे के बारे में जानते ही हैं जापानीज लैंग्वेज प्रोफेशनसी जो टेस्ट है उसका लेवल फोर आप बहुत आराम से ये कोर्स करने के बाद कर पाएंगे लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि मेहनत आपको भी पूरी करनी पड़ेगी बिना मेहनत के ये संभव नहीं हो पाएगा और दूसरी बात ये है कि आपको ये अभी ही बता दिया जाए कि ये जो कोर्स है ये जो सीरीज़ है ये कोई कोचिंग कोर्स नहीं है ये भाषा यहाँ सिखाई जाएगी और आप भाषा सीख करके अपनी मेहनत से नेट से भी देख करके आप बहुत आराम से जे का एन फोर लेवल तक आप पास कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि आज हमारे कोर्स में क्या है और इस लेसन वन में हम लोग क्या क्या करेंगे तो देखिए जापानी भाषा में इंटोनेशन और बॉडी लैंग्वेज यानी कि हाथों के और शक्ल के हावभाव का बहुत महत्व है इसका अर्थ यह है कि भाषा में बोलते समय उतार चढ़ाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसी के साथ महिलाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो अलग होते हैं और पुरुषों द्वारा जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अलग होते हैं एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भाषा में दिखाई देती है वो है कि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग बहुत फ्रीली किया जाता है ये शब्द फॉर्मल स्थिति में ही नहीं प्रयोग किए जाते हैं बल्कि साधारण दैनिक जीवन की भाषा में भी इनका प्रयोग दिखाई देता है आदर सूचक शब्द भाषा का एक बहुत बड़ा और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐसे बहुत से शब्द और अभिव्यक्तियां हैं जो चीनी भाषा से ली गई हैं और वर्तमान में भी आज भी भाषा में प्रयोग की जा रही हैं इन सबके बारे में हम लोग लेक्चर के दौरान बात भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लिपियाँ हैं जो प्रयोग की जाती हैं वो क्या हैं तो देखिए अभी तक जो आपने भाषा सीखी होगी कभी फॉरेन लैंग्वेज या भारत की कोई अन्य भाषा सीखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक लिपि है यानी कि उसी लिपि में हम पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं वो लिखते भी हैं लेकिन जापानी में तीन लिपियाँ हैं अब इनमें से जो दो लिपियाँ हैं वो फोनेटिक हैं या जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वन्यात्मक हैं यानी कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं जैसे कि देवनागरी में है ये दोनों लिपियाँ जो हैं ये चीनी चित्र लिपि से बनाई गई हैं इनको काना लिपियाँ कहते हैं चित्रलिपि का अर्थ है कि तस्वीर से कोई चीज़ को लाइनों में दिखाना इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे काना लिपियाँ जो हैं वो अक्षर लिपियां हैं और उच्चारण पर आधारित हैं कांजी लिपि जो है वो चीनी चित्रलिपि है और उसका जापानी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है तो आप देखेंगे आगे कि ये तीनों स्क्रिप्ट्स मिला करके लिखा जाता है ऐसा पहले नहीं था पहले जो दो फोनेटिक स्क्रिप्ट्स थी उनमें लिखा जाता था अलग अलग लेकिन अब सब मिला के लिखा जाता है ये स्क्रिप्ट्स हैं हीरा काताकाना और कांजी। अब आप हीरा में देखेंगे कि ये थोड़ी सी अलग है इस स्क्रिप्ट से ये काताकाना कहलाती है जैसा कि लिखा हुआ है और ये हीरा है ये चित्रलिपि है जो कि बेसिकली चाइनीज है तीनों स्क्रिप्ट्स बिल्कुल अलग हैं इनके बारे में आगे हम लोग देखते हैं तो ये काना लिपियाँ क्या हैं देखिए हीरा गाना लिपि है और ये ध्वन्यात्मक लिपि है जैसा कि हमने आपको बताया अब हीरा गाना जो लिपि है वो जापानी मूल के शब्दों को लिखने में प्रयोग में आती है इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ ये है कि जो भी जापानी शब्द हैं यानी कि ओरिजिनली जो जापानी शब्द हैं उनको हीरा में लिखा जाता है देखिए ये है आ ई ए, ए ओ वा का ये कुछ ध्वनियां हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी बात करेंगे अब इसको जोड़ करके इस प्रकार से लिखा जाता है आकी आहिर आरी निहोन कासा तो इस प्रकार से हीरा लिपि में लिखा जाता है पूरी भाषा लिखी जा सकती है हीरा में क्यों चित्रलिपि की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में आगे भी बात करेंगे लेकिन अभी आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक समान हैं, एक ही ध्वनि है उन शब्दों की लेकिन अर्थ अलग है तो अर्थ कैसे पता चलेगा वो कांजी से पता चलता है इसलिए तीनों लिपियां मिला के लिखा जाता है हीरा गाना ऐसे लिखी जाती है आ ई ए ओ का की कु, के को जैसे आसा निहोन निहोन माने जापान निहोन जिन माने जापानी लोग निहोंगो माने जापानी भाषा तो इस प्रकार से मिला करके ये लिखा जाता है ये राउंड है आप देखेंगे खड़ी खड़ी लाइनें नहीं हैं थोड़ा राउंड लगता है कर्सिव है ये हीरा गाना अब देखिए दूसरी लिपि भी है वो है काताकाना काताकाना जो है वो एंगुलर है यानी कि बहुत शार्प लाइंस हैं उसमें बहुत आपको दिखेगा खड़ी खड़ी लकीरें हैं आड़ी तिरछी लकीरें हैं और हीरा गाना से बिल्कुल अलग दिखेगी ये स्क्रिप्ट क्यों हम यूज़ करते हैं इसलिए यूज़ करते हैं कि जितने भी शब्द जो जापानी मूल के नहीं हैं जो कि विदेशी शब्द हैं उनको हम कताकाना में लिखते हैं अब अभी हमने आपको बताया कि ये बहुत एंगुलर है ये क्यों एंगुलर है देखिए कताकाना और हिरागाना दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं वो कांजी से बनी है यानी कि चित्रलिपि से बनी है और वो जो आड़ी तिरछी लकीरें जो आपको कांजी में दिखती हैं उसी से कताकाना बनाई गई अब क्यों बनाई गई क्योंकि जब बौद्ध धर्म के प्रचारक जो हैं जापान आए और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कुछ स्क्रिप्चर्स जो हैं वो अपने साथ जापान ले करके आए तो उनको याद करने के लिए शॉर्ट हैंड के रूप में जो है वो कथाकाना शुरू में उत्पन्न हुई अब वो कांजी के जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत डिफिकल्ट थे याद करना बहुत मुश्किल थे लेकिन उसकी ध्वनि जो थी उसको किसी तरीके से काताकाना में लिख करके शॉर्ट हैंड के तरीके से लिख करके याद किया जाने लगा तो शुरू में सबसे पहले काताकाना की उत्पत्ति हुई उसके बाद हीरा गाना बनी है देखिए ये भी ध्वन्यात्मक लिपि है ध्वनि से बनाई गई है और विदेशी शब्दों को लिखने में प्रयोग में आती है अब आप देखेंगे कि अगर हम कथाकाना यहां आपको लिख के दिखाएं तो आ ई उ, ए और ओ और कथाकाना में भी ये लिखा है आ ई ए, ए और ओ तो आप देखेंगे कि ये बहुत एंगुलर है बहुत शार्प जो है इसकी लकीरें हैं और ये थोड़ी राउंड है इसमें वर्ड्स भी आप देखिए सब विदेशी वर्ड्स होंगे जैसे कि हम लोग के नाम होंगे या अंग्रेजी में जैसे आप पापा कहेंगे मामा कहेंगे या मिल्क अब मिल्क क्योंकि विदेशी शब्द है तो हीरा गाना में उसके लिए प्रॉपर ध्वनि नहीं है इसलिए उसको कथाकाना में लिखा जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा मीरु अब ऑरेंज को औरेंज बनाना को बनाना रेमोन लेमन केक केकी, ये जितने शब्द हैं ये अंग्रेजी के शब्द हैं तो इनको कताकाना में लिखा जाएगा कताकाना की उत्पत्ति मानते हैं कि नवी शताब्दी में हे काल के दौरान इसकी उत्पत्ति मानी जाती है देखिए अभी आपको लिख के भी दिखाया है आ आ, ई उ, ए ओ, मी ऋ कौ जब भी लॉन्ग साउंड होगी तो ये डैश लगाया जाता है को ही के कि जैसे अगर हमारा नाम लिखा जाएगा तो मी स र, या अमेरिका लिखा जाएगा तो आ -मे री का इन दो इंडिया इन दो इस प्रकार से कताकाना में लिखा जाता है सब विदेशी शब्द कताकाना में लिखे जाते हैं पहले ये शब्द अधिकतर चीनी हुआ करते थे अब हर जगह के शब्द जो है भाषा में प्रयोग होते हैं इसलिए कताकाना में लिखे जाते हैं अब एक तीसरी लिपि भी है जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया तो वो क्या है ये चीनी चित्रलिपि है और चित्रों को लाइनों में डिपिक्ट करके उसको अर्थ दिया गया है तो वो चित्रलिपि जो है वो मूलतः तो चीनी चित्रलिपि ही है लेकिन उसको जापानी में भी प्रयोग किया जाता है आइए देखते हैं वो क्या है लिपि में ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की जगह भाव चित्रों द्वारा कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट को दर्शाया जाता है यानी कि आइडियोग्राम्स और पिक्टोग्राम्स हैं जिससे चित्र देख करके ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है हो सकता है कि आप चीनी या जापानी भाषा में उसको प्रोनाउंस ना कर सकें उसका उच्चारण आपको ना पता हो लेकिन चित्र देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है इसको लिखने के नियम पहले से निर्धारित हैं अब देखिए इनको जोड़ जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं देखिए नी होन नी होन या नी होन जिन या नी होन गो या हाना और मी हना मी तो इनके अर्थ क्या हैं ये कोर्स हम लोग अपने लेक्चर के दौरान भी करेंगे फिलहाल आप केवल ये देखिए कि ये चित्रलिपि या ये कांजी क्या हैं और कैसे जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम लोग भी तो चित्रलिपि का प्रयोग करते हैं अगर आप अपने मोबाइल्स पे खूब मैसेजेस भेजते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम इमोजीज़ का जो प्रयोग करते हैं वो भी तो एक प्रकार से चित्रलिपि ही है कुछ चित्र के माध्यम से हम आइडिया डिपिक्ट करते हैं जैसे कि आप देखिए अगर बारिश हो रही है तो ऊपर से बूंदें टपकाते हैं अगर हम छोटी 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 बूंदें इस तरीके से टपकाएंगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये लहरें आ रही हैं हर व्यक्ति यही कहेगा कि ये बारिश हो रही है या अगर हम कागज पे नदी ऐसे करके बना दें तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि ये नदी है ये लहर नहीं है और अगर हम ऐसे करके बनाते हैं तो हमेशा समझने वाला यही समझेगा कि ये लहर है और ये बारिश नहीं हो रही है तो इस प्रकार से हम भी बहुत सारी चित्रलिपि यूज़ करते हैं आपने ये वोल्टेज के लिए बहुत देखा होगा डेंजर का सिग्नल कि वो एक खोपड़ी है और उसमें जो है वो क्रॉस बना हुआ है तो वो भी तो एक प्रकार से चित्रलिपि है उसको देख के हम समझ जाते हैं या सीढ़ी का फिगर बना करके बताते हैं कि यहाँ सीढ़ी है यहाँ ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो इस प्रकार से बहुत सारी चित्रलिपियाँ हैं जो हम लोग भी प्रयोग करते हैं देखिए जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे ये लहरें ही होंगी या अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये नदी ही मानी जाएगी या अगर आप इस प्रकार से पानी दिखाएंगे तो ये बारिश ही होगी सिगरेट का धुआं दिखाएंगे तो ये होगा कि नहीं भाई यहाँ पे आपको पीना मना है तो इस प्रकार से बहुत सारी चित्रलिपि है जो हम लोग भी प्रयोग में लाते हैं अब आप जापानी चित्रलिपि देखिए ये देखिए ये आदमी खड़ा है तो हम भी आदमी जब बनाते हैं तो इसी प्रकार से बनाते हैं अब इस तरीके से आदमी खड़ा है अपने हाथ दबा करके तो ये जो चित्रलिपि है ये जो कांजी है आगे से हम लोग कांजी ही कहेंगे इसको तो ये जो कांजी है ये हितों के लिए कांजी होती है यानी कि पर्सन के लिए व्यक्ति के लिए कांजी प्रयोग में आती है अब जब आप देखेंगे तो आप इसको हमेशा पर्सन हितों ही समझेंगे दूसरी देखिए ये यामा है तो यामा माने पहाड़ जैसा कि आप देख रहे हैं अब अगर इसकी आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा और इसकी देखिए पीक बन गई ये बेस बन गया यहाँ पे तो इस प्रकार से बनाया जाता है अब आप हमेशा इसको पहाड़ के रूप में ही याद करिएगा और देखिएगा ये नदी है पानी बह रहा है इस इस पानी को हम वर्टिकल बना देते हैं और ये कावा यानी कि नदी की कांजी बन जाती है इसी प्रकार से आप देखिए पेड़ है अब ये कांजी बनी है पेड़ की तो अगर हम इसमें ऐसे कर दें तो आपको लगेगा कि ये पेड़ ही है अगर इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो यूं बनता है तो पेड़ की कांजी है ये इसी प्रकार से देखिए फील्ड है चावल जब बोते हैं तो इस तरीके से मेड़ी बना करके उसमें पानी भरा जाता है और फिर यहां पे आप चावल बोते हैं तो बिल्कुल वही इमेज है एक खेत की और उससे ये बना है ता इसकी रीडिंग ता है और मीनिंग है इसका फील्ड अब देखिए आदमी की कांजी कैसे बनी है आदमी खेत में काम करता है और खेत में काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए तो ये तो खेत की कांजी हो गई और जो ताकत की कांजी है ये आती है यहां से तो जब आप इन दोनों को जॉइन कर देते हैं तब ये पुरुष की कांजी बन जाती है यानी कि ओतो कोनो हितो और देखिए ही की कांजी है ये यानी कि दिन की कांजी है तो सूरज क्या करता है सूरज रात और दिन में दो भाग कर देता है चौबीस घंटे के तो इसलिए दिन के दो भाग हो जाते हैं तो एक दो तीन और चार एक दो तीन और चार इस प्रकार से दिन की कांजी बनती है तो ये एक इंट्रोडक्शन है आगे भी हम लोग बहुत कुछ करेंगे इसके बारे में कांजी के बारे में अब यहाँ पे आप देखेंगे हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं या ऐसे बना दिया और फिर ऐसे कर दिया इसका एक डिसाइडेड तरीका है कि एक दो तीन और चार यानी कि एक दो तीन और चार इसी प्रकार से ये बनाया जाएगा अब आइए हम लोग हीरागाना लिखना भी देखते हैं तो देखिए आ ई उ ए ओ ये तो वॉवल्स हैं अब इन वॉवल्स में हम साउंड क को जो है मिला देते हैं इसी प्रकार से सब साउंड्स हैं तो देखिए का की कू के और को इसी प्रकार से सा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है सी नहीं है शी है जैसे अंग्रेजी में हम एस एच ई लिखते हैं वो एस एच आई शी है सु से और सो अब त तो साउंड में आप फिर से आ लगाइए तो ता और ये अलग है ये एक्सेप्शन है ये भी एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है ये ती नहीं है ती नहीं है ये है ची ची और इसी प्रकार से यह तू नहीं है यह है टी एस यू, आधा त तो और सु आधे त तो की साउंड है तो यह है ता ची सु ते और तो ऐसे ही नाम में अगर आप ये लगाएंगे पूरा ऊपर वाला आई ऊ ए ओ, तो ना नी नू ने और नो ऐसे ही हा में है हा ही हु हे हो और साउंड म में है मा मी मू मे मो और या यू और यो अब आप कहेंगे कि ये दोनों क्यों नहीं है यहाँ पे क्यों मिसिंग है पहले थे लेकिन अब क्योंकि ये जो ई साउंड है ये इससे बहुत मिलती है और ये ए साउंड जो है वो इससे बहुत मिलती है इसलिए ये दोनों यहाँ से हटा दिए गए हैं केवल या यू और यो हैं और फिर रा में रा री रू रे रो और इसी प्रकार से साउंड जो व है उसमें वी वू वे और वो तो ये तीन नहीं है यहाँ पे क्योंकि या की तरीके से ये भी बहुत इससे मिलती जुलती है पहले थी लेकिन अब हटा दी गई है और ओ साउंड है और उन साउंड है ये हाफ साउंड है और ओ जो साउंड है ये ये तो वॉबुल है ये सेंटेंस को जॉइन करने में प्रयोग में आता है तो ये आपकी हीरा गाना है ये फोर्टी सिक्स इन नंबर है इन्हीं हीरा गाना से वो साउंड्स भी बने हैं देखिए गा क में क साउंड में आप ये छोटा सा लगा दीजिए और ये गा बन जाता है इसी प्रकार से गी गु गे और गो ये स सा साउंड से बेसिक है देखिए सा का तो ये बन जाता है जा जी जू जे जो ये भी एक एक्सेप्शन है फिर ये द साउंड है ये ता से बनता है त से बनता है ये स से बनता है स से बनता है ये क से बनता है और दा जी ज़ ये दोनों एक्सेप्शन है यहाँ पे फिर ये हा से बनता है ह से बा, बी, बू, बे, बो ये लगा करके छोटा सा और यहाँ पे ये सर्कल लगाते हैं और पा पी पू, पे पो ये दोनों ह से बनते हैं तो ये टोटल ट्वेंटी फाइव हैं इन नंबर और अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल नंबर जो है हिरागाना का वो है सेवेंटी वन अब इसके अलावा भी कुछ और साउंड्स हैं वो या यू और यो को क साउंड में श साउंड में च न ह म इनमें मिला करके के छोटी साउंड बनाई गई है देखिए अगर हम की लिखते हैं की तो की ये है और अगर हम या लिखते हैं तो या ये है की और या की या लेकिन हमें शॉर्ट साउंड चाहिए और क्योंकि हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि हम किसी भी लेटर को काट करके आधा दिखा सकें जैसे कि हम हिंदी में करते हैं तो हम इसको नीचे लिख देते हैं की और लाइन के ऊपर यहाँ छोटा बना करके या कर देते हैं तो ये साउंड छोटी बन जाती है ये बन जाता है क्या इसी तरीके से क्यू और क्यो इसी प्रकार से शा शिव शो चा च्यू च्यो न्या न्यू न्यो ह्या ह्यू ह्यो म्या म्यू म्यो रियो रियो है तो ये साउंड शॉर्ट है अगर आप पूरा लिख देंगे तो ये दो साउंड बन जाएंगी एक की की और एक या की इसलिए इसको छोटा बना करके लिखा जाता है क्या को चा चो 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 चो, चो यानी कि तितली तो इस प्रकार से ये छोटी साउंड बनाई जाती है अब देखिए और भी है इसमें ग्या ज्यू ज्यो ब्या ब्यू ब्यो और प्या प्यू प्यो तो ये पी या नहीं है ये प्या है आधा प और या ब्या। हमारे यहाँ हिंदी में ये सुविधा है कि हम आधा शब्द कर सकते हैं यहां पे ये सुविधा नहीं है ज्या इस प्रकार से लिखा जाता है तो आप इसको देख सकते हैं अब लिखने का तरीका जो है स्ट्रोक ऑर्डर बहुत क्लियर है यहां पे इसका आप अभ्यास करिए हीरा गा का है ये और यहां पे देखिए कथा गाना है उसी प्रकार से आपके पास कथा कहना भी है बिल्कुल सेम तरीका है याद करने का केवल स्क्रिप्ट अलग है रूल वही है देखिए का की कू के और को सा शी, सु, से और सो इसका भी स्ट्रोक ऑर्डर दिया हुआ है और कताकाना और हीरागाना दोनों जो हैं वो लेफ़्ट से राइट और अप से डाउन दोनों लिखी जा सकती हैं जब आप अप से डाउन लिखते हैं ऊपर से नीचे तो यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार से जाता है यानी कि एक दो तीन चार इस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा ये भी तरीका है लिखने का जो कि अधिकतर आपको अखबारों में दिखेगा और नॉवेल्स में दिखेगा लेफ्ट से राइट right लिखने का भी तरीका है और वो आपको ज़्यादातर स्कूल्स में प्रैक्टिस करवाया जाता है जब हम लेफ़्ट से राइट right लिखते हैं तो हम यहाँ से ऊपर नीचे लिख कर के ऐसे नहीं जाते हैं ऊपर से नीचे लिखने में केवल राइट right से लेफ्ट जाया जाता है जैसे उर्दू में लिखते हैं अब देखिए इसकी भी शॉर्ट साउंड है क की शॉर्ट साउंड है श च न ह, म और र इन सब की शॉर्ट साउंड है और या या, यू और यो इनको नीचे लिख दिया जाता है छोटा करके तब शॉर्ट साउंड बन जाती है जो हीरा में रूल्स हैं वही कथाकाना में भी रूल्स जैसा कि आपको बताया इसका भी स्ट्रोक ऑर्डर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इसको देखिए और इसका अभ्यास करिए अब देखिए तीनों लिपियों को मिला करके कैसे भाषा लिखी जाती है देखिए ये एक सेंटेंस है वाता शिवा इंदो जिन दस इसमें आप देखेंगे कांजी भी है हीरा गाना भी है और इंदो क्योंकि जापानी शब्द नहीं है इसलिए कथाकाना में लिखा हुआ है और फिर से जापानी है और देश है एक और चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे देखिए वो ये है कि यहाँ पर हमने स्पेस दी है देखिए यहाँ पर स्पेस दी है यहाँ पर भी स्पेस दी है जापानी में लिखते समय स्पेस नहीं दी जाती है पाता शिवा इंदोजिन तो जब हम पढ़ते हैं अगर तीनों स्क्रिप्ट्स हैं तो हमें पढ़ने में इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये बाहर का शब्द है ये कांजी है इसके बारे में हमें पता है और बाकी हीरा गाना है अब ये जैसा कि आपको अभी बताया लेफ्ट से राइट भी लिखी जाती है और आप ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे भी लिखी जाती है और इस प्रकार से बढ़ा जाता है ऊपर से नीचे लिखते हुए राइट टू लेफ्ट जाया जाता है सो वाता शिवा राओ दिस वाताशिवा इंदोजिन देश इस प्रकार से लिखा जाएगा अब देखिए अभी आपने स्वर किए हैं आई उ ए ओ तो उससे कुछ शब्द भी आप याद कर लीजिए आहिरु आरी ईसु इनु इनके सबके अर्थ यहां पर लिखे हैं आप हमारे बाद भी उच्चारण कर सकते हैं उशी उची ए बी ओरिगामी ओम ओरिगामी देखिए दो शब्दों से बना है पेपर फोल्डिंग है ये ओरी माने लपेटना और गामी माने कागज़ तो कागज को लपेटने की टेक्निक उसे ओरिगामी कहते हैं देखिए तस्वीर के साथ भी है आरी आसे तस्वीर से ही आप समझ जाएंगे क्या अर्थ है इनु, इसु, उसागी उमा और ओम। अब यहां पे साउंड न है एनपित्सु की साउंड है न की लेकिन बोलते म है उससे आसान होता है तो एम पित्सु होठ दबा करके बोलिए और आसानी से ये बोला जाएगा इसका रूल है रूल आपको आपके लेसन में बताएंगे अब देखिए क साउंड है कानी कासा किरिन किमोनो कुसा कु केकी, केसा, कोही, कोचा अभी आपने देखा देखिए कोचा छोटी साउंड आपने पढ़ी है कोचा अब है खारास खाबान कानी कि, कुत्सु कुमो, खेसी कोचा आपको लगेगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं यह जरूरी है क्योंकि आपको वाक्य बनाने में बाद में बहुत आसानी होगी सकाना सारु शिका शिमाउमा सुजुमे सुइका सेमी सोरा, सोबा और तस्वीर के साथ भी है सकाना सारा शिका सुशी सुजुमे सेक्केन साबुन को कहते हैं सोबा ये नूडल्स हैं ड्राई नूडल्स हैं जो कि हम लोग भी बहुत यहाँ खाते हैं अब आपके लिए थोड़े से नए शब्द हैं आशी आसे ईशी इतो उए उता एकी ऐदा ओनी ओकाशी ओतेरा और इसी प्रकार से कर सीरीज के हैं काबान कागी किसने कुदामोनो कुशी केताई केशिगोमु कोदोमो कोचा और स से है सके समय शिची शिंगो सुमो सुशी सेंता की, सेता सोरा अब आज हम लोग गिनती भी करेंगे तो जल्दी से गिनती कर लेते हैं देखिए इच्छी नी सन, योन, शी भी कहते हैं इसे गो रोकु, नाना शिची भी कहते हैं हाची कु, क्यू, या क्यू भी कहते हैं ज्यू ये आपकी गिनती है ये ये और ये एक्सेप्शन्स हैं अलग अलग जगह इनका प्रयोग होता है इसके साथ इसकी कांजी भी दी हुई है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कांजी हम लोग अपने लेक्चर में करेंगे और आपके लिए देखिए एक एक्सप्रेशन भी है ओहायो इसी इंटोनेशन के साथ इसका प्रयोग करिए ये देखिए दो जने आपस में मिल रहे हैं सवेरा हो रहा है यहाँ पे सूरज ऊपर चढ़ा हुआ है और ये देखिए इनके हाथ दोनों के कहाँ हैं हाथ दोनों के जो हैं अपने साइड में हैं और एक दूसरे से झुक करके ओहायो गुजाए कहते हैं या खुशी से भी बच्चे जो हैं हाथ उठा करके भी इनफॉर्मली ओहायो गुजाए कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि दस बजे के बाद ओहायो मास नहीं कहा जाता है ये नहीं कि कैजुअली आपने हाथ उठाया और हलो की तरीके से ओहायो कह दिया ऐसा नहीं होता है खड़े होकर के पैर बिल्कुल साथ में जोड़ करके हाथ किनारे करके तब ओहायो गुजा कहा जाता है खास करके अपने बड़ों से फिर देखिए यहाँ पे कोनी चिवा है आप रास्ते में कहीं मिले या किसी से भी कहीं ऑफिस में कहीं मिले दस बजे के बाद तो ओहायो गुजा के बजाय आपको कोनीचिवा का प्रयोग करना होगा विच मीन्स गुड डे हाथ उठा करके भी झुक करके भी लेडीज जनरली खड़े होकर के झुक करके तब कोनी करती हैं। और यह आपके लिए गृह कार्य है देखिए दो ग्रुप्स हैं ए बी इसमें कुछ शब्द लिखे हैं इधर की तरफ भी शब्द लिखे हैं तो इनको मैच करिए और इसी प्रकार से नंबर्स को मैच करिए और सही नंबर लिखिए कुछ तस्वीरें हैं कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इनको जापानी में लिखने की कोशिश करिए और देखिए आपके पास एक और एक्सप्रेशन है माता आइमा शो इसका अर्थ है फिर मिलते हैं माता का मतलब है दोबारा और आइमा शो का मतलब है मिलना तो लेट्स मीट अगेन तो माता आई मा शो इसी एक्सप्रेशन के साथ हम यहीं पे आज का लेसन ख़त्म करते हैं और जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में बहुत सारा नया कुछ लेकर के तब तक जो आज किया है जो स्क्रिप्ट्स आज करी हैं जो वर्ड्स आज आपको बताए हैं नए शब्द हैं उनको सबको याद करिए और जो क्विज़ है जो पीछे आपके लेसन में गृह कार्य दिया गया है उसको करिए जल्दी ही फिर मिलते हैं माता आइमा शॉक नमस्कार धन्यवाद